हेलो फ्रेंड्स, जावा के एग्जांपल्स के सीरीज में हम आज के क्लास में इवन ऑड चेक करना सीखेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाउ टू चेक इफ द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। यानी कि एक नंबर हमारे पास है, हमें उसको बताना है कि वो इवन है, सम है या फिर ऑड है, विषम संख्या है। किसी भी नंबर को इवन और चेक करने के लिए हम एक्चुअल में उसको दो से डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड द नंबर बाय टू एंड इफ रिमाइंडर इज जीरो द नंबर इज इवन, अदरवाइज इट इज ऑड। यानी कि नंबर को दो से डिवाइड करके जो भी उसका शेष बचता है, अगर वो जीरो आता है तो नंबर इवन है, अदरवाइज वो नंबर ऑड है। और रिमाइंडर निकालने के लिए हम जावा में मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये जो परसेंटेज का सिंबल होता है इसको यूज करते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। ये हमारी जावा की क्लास है इवन ऑड क्लास के नाम से, और इसके अंदर एक मेन फंक्शन है। चलिए एक नंबर लेने के लिए, नंबर को स्टोर कराने के लिए हम एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं इंट टाइप का और नम नाम से, और इसको जीरो से इनिशियलाइज कर सकते हैं, कर देते हैं। यहाँ पर रिमाइंडर स्टोर कराने के लिए हम एक और वेरिएबल लेते हैं rem नाम से। आप नाम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। इन दोनों को अलग अलग डिक्लेयर करने की बजाय आप एक साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यहीं पर कॉमा लगाकर, कॉमा rem जीरो। इस लाइन का मतलब मैंने दो वेरिएबल num और rem डिक्लेयर करे हैं, num नंबर स्टोर कराने के लिए और rem रिमाइंडर स्टोर कराने के लिए। चलिए अब मैंने एक नंबर लिया सपोज 59 और उसको मैंने num में स्टोर करा दिया। अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है, तो मैं इसको दो से डिवाइड करके जो भी इसका रिमाइंडर निकलेगा उसको चेक करूंगी। तो मैंने इसको मॉडुलस 2 कर दिया और इसका जो भी आंसर आएगा उसको rem वेरिएबल में स्टोर करा दिया। क्लियर। अब मुझे ये चेक करना है rem, इफ rem इज इक्वल टू 0 देन नंबर इज इवन, और अगर वो ऑड है तो नंबर ऑड है, सॉरी अगर वो अदर देन 0 है तो नंबर ऑड है। उसके लिए हम इफ एल्स यूज करेंगे और मैं यहाँ पर नेटबीन्स IDE यूज कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ आपको शॉर्टकट्स मिलते हैं जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो मैंने यहाँ पर इफ लिखा और टैब की को दो बार प्रेस करा, डबल टैब। ये आपका पूरा इफ स्टेटमेंट पूरी आ चुकी है। यहाँ पर अब हम कंडीशन देते हैं, इफ रैम इज इक्वल टू 0 तो यहां पर प्रिंट हो जाए कि नंबर इवन है, एल्स प्रिंट हो जाए कि नंबर ऑड है। प्रिंट करवाने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करते हैं, उसका भी शॉर्टकट है एस आउट टैब। नंबर इज इवन और एल्स एस आउट प्रिंट हो जाए, एस आउट प्लस टैब, नंबर इज ऑड। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए इसको रन करते हैं। रन करने के लिए यहां पर आप यहां से भी रन कर सकते हैं, शॉर्टकट भी F6 यूज कर सकते हैं, और यहां से भी रन कर सकते हैं इस ग्रीन सिंबल से। चलिए इसको रन करते हैं। ये हमारा आउटपुट आ गया, नंबर इज ऑड 59 ऑड नंबर। नंबर को चेंज करके देखते हैं, मैंने यहां पर इसको 50 कर दिया। अब रन करते हैं, नंबर इज इवन। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा। चलिए इसको और इस इवन ऑड के टॉपिक को और एक्सटेंड करते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर था तो हमने उसको इफ एल्स यूज करके प्रिंट करा दिया। बट सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया कि 10 नंबर्स लेने हैं आपको, या फिर 20 या 50 नंबर्स लेने हैं, तो आप हर नंबर के लिए तो रिमाइंडर बार बार नहीं निकालोगे और बार बार इफ एल्स चेक नहीं करोगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एरे यूज करते हैं। एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स ऑफ सेम डेटा टाइप। सपोज इंट है, इंट के 10 नंबर हैं, तो अलग अलग 10 वेरिएबल्स लेने की बजाय हम उसको इंट के एक एरे में स्टोर करा लेते हैं। चलिए हम इवन ऑड का यही प्रोग्राम एरे के थ्रू करके देखते हैं। इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब हम एक इंट एरे डिक्लेयर करते हैं, इंट। एरे के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं और उसके बाद हम एक एरे का नाम देंगे। एरे का नाम मैंने दिया माई
array is equal to new int square brackets semicolon. और यहाँ पर हम बताएंगे कि हमारे एरे का कितना साइज होगा. सपोज हम फाइव वैल्यूज लेते हैं, मैंने यहाँ लिखा फाइव. तो हम इसका मतलब क्या हुआ, हमने इंट की पांच अलग अलग वैल्यूज स्टोर कराने के लिए यहाँ पर एक एरे बना दिया. अब हम उन अलग अलग ब्लॉक्स में वैल्यू स्टोर कराएंगे. एंड आई होप यू ऑलरेडी नो कि हम एरे का जो इंडेक्स है जीरो से स्टार्ट करते हैं. चलिए माई एरे. अब देखिए यहाँ पर बार बार आपको माई एरे लिखने की जरूरत नहीं है. आप यहाँ पर नेटबीन्स में शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर एम प्रेस करा, कंट्रोल स्पेस, ये जो लिस्ट ओपन होकर आई है दिस इज इंटेलिजेंस. यहाँ पर एम से स्टार्ट होने वाली सारी चीजें आ चुकी हैं, वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस एक्सेट्रा. तो यहाँ पर मुझे माई एरे लेना है, मैंने माई एरे ले लिया. मुझे बार बार उसको टाइप करने की जरूरत नहीं है. क्लियर, कंट्रोल स्पेस यूज करके इंटेलिजेंस आती है. चलिए माई एरे के जीरोथ इंडेक्स पे मैंने एक वैल्यू स्टोर करा दी. ऐसे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पांचों अलग अलग इंडेक्सेस पर मुझे वैल्यू स्टोर करानी है, इनिशियलाइज करानी है. चलिए इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंडेक्स पे यहां पर वैल्यूज चेंज कर लेते हैं. क्लियर, ये एरे है फाइव साइज का जिसमें मैंने अलग अलग इंडेक्सेस पे वैल्यू स्टोर कराई है. चलिए अब मुझे क्या करना है, मुझे ये बताना है कि सारी अलग अलग वैल्यूज इवन है या ऑड है, प्रिंट कराना है. तो एक वेरिएबल लेते हैं रिमाइंडर स्टोर कराने के लिए. अब मैं यहां पर हर एक वैल्यू के लिए बार बार चेक नहीं करना चाहती, बार बार इफ एल्स नहीं लगाना चाहती. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप यूज करेंगे. फॉर लूप यानी कि हम एक उसके अंदर एक वेरिएबल लेंगे, उसको इनिशियलाइज करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू लिखेंगे. चलिए फॉर लूप भी मैं यहाँ पूरा नहीं लिखूंगी. अगेन यू हैव शॉर्टकट्स फॉर डबल टैप, सॉरी सिंगल टैप से ही आ जाएगा ये, फॉर सिंगल टैप, फॉर लूप टैब, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. यहां पर एक इंट वेरिएबल है, जीरो से इनिशियलाइज्ड है. और कंडीशन ये कब तक चलेगा, मुझे 10 तक नहीं चाहिए. मेरे पास जो एरे है वो फाइव साइज का है तो मैंने इसको फाइव लिखा, यानी कि आई जीरो देन वन टू थ्री एंड फोर, लेस देन फाइव तक ये हमारा फॉर लूप वर्क करेगा. क्लियर. अब फॉर लूप के अंदर अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर चेक करना है कि एरे के जीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसका रिमाइंडर क्या है, देन फर्स्ट पे क्या है, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है एंड सो ऑन. तो यहां पर मैंने रिमाइंडर वेरिएबल में क्या स्टोर कराया, माई एरे. स्टार्टिंग में मुझे जीरो इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, देन मुझे वन की चाहिए, देन टू की चाहिए. क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर है तो मैंने यहां पर आई यूज कर लिया. जब आई की वैल्यू जीरो होगी तो माई एरे में जीरो इंडेक्स में जो वैल्यू होगी उसका रिमाइंडर आ जाएगा. देन आई की वैल्यू वन तो एरे के वन फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसका रिमाइंडर आ जाएगा एंड सो ऑन. और इसका मॉडुलस यानी कि टू से डिवाइड करते हैं हम इसको, जो रिमाइंडर होगा आरईएम वेरिएबल में आ जाएगा. तो मुझे पांच बार ये अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ी. क्लियर. चलिए अब हम आरईएम वेरिएबल को चेक करते हैं, अगर उसका उसकी वैल्यू जीरो है तो नंबर इवन है, वरना ऑड है. यानी कि इफ एल्स, इफ स्टेटमेंट, इफ रैम जीरो एल्स चलिए अब हम इसको प्रिंट कराते हैं. अगर जीरो है रिमाइंडर. अब यहां पर मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करना है प्रिंट कराने के लिए, लेकिन इसका एक शॉर्टकट है एस आउट टैब. नेटबीन्स में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का शॉर्टकट एस आउट टैब. और मैंने यहां प्रिंट कराया नंबर इज इवन
और रिमाइंडर अगर जीरो नहीं है देन एस आउट टैप नंबर इज ऑड। ये शॉर्टकट मैं आपको लास्ट प्रोग्राम में भी बता चुकी हूँ ऑलरेडी। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ये इसका आउटपुट। फर्स्ट नंबर इज ऑड 67 नंबर ऑड, सेकंड नंबर इज इवन इवन 58, थर्ड नंबर इवन 20 इवन एंड 99 ऑड नंबर। क्लियर? चलिए इसमें अब थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं। इसका ये जो आउटपुट है इसमें बार बार नंबर इज इवन नंबर इज इवन नंबर इज ऑड ये सब आ रहा है। मुझे यहाँ पर नंबर नंबर ये सब लिखा हुआ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर उसकी वैल्यू चाहिए, यानी कि उसकी वैल्यू ये 67 इज ऑड, 4 इज इवन, 58 इज इवन, मुझे ये आउटपुट चाहिए। तो अब हम यहाँ पर नंबर ये इसको हटा देते हैं, ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे यहाँ पर वैल्यू चाहिए, यानी कि माई एरे जो इंडेक्स है उसके जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है देन फर्स्ट पे देन सेकंड पे। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, माई एरे के, क्योंकि ये फॉर लूप यूज कर रहे हैं देन आई, माई एरे के, जब ये फॉर लूप में आई की वैल्यू जीरो होगी माई एरे के जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए, क्योंकि मैंने इसको ये डबल कोट से बाहर रखा है। डबल कोट्स के अंदर जो भी आप प्रिंट करते लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है, ये उसको स्ट्रिंग की तरह यूज करता है, डबल कोट से बाहर ये वेरिएबल है। तो माई एरे के जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है इज इवन और ऑड, माई एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है इज इवन और ऑड। क्लियर? एंड वेरिएबल और इस स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए कंकैटिनेट करने के लिए हम यहाँ पर प्लस यूज करते हैं। क्लियर? और यही हम चेंजेस यहां भी करते हैं, माई एरे के आईथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए इवन और ऑड। क्लियर? चलिए इसको रन करते हैं, ये इसका आउटपुट 67 इज ऑड, 4 इज इवन, 58 इज इवन, 20 इज इवन, 99 इज ऑड। सो ये प्रोग्राम भी आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। एरे के ही अंदर एक छोटा सा चेंज हम एक और करते हैं। एरे को अभी हमने क्या करा, यहां पर डिक्लेयर करा उसके बाद इनिशियलाइज करा, लेकिन एरे को डिक्लेयर करने के टाइम पर ही अगर हम इनिशियलाइज करना चाहें, यानी कि ये मुझे बाद में नहीं लिखना जब उसको मेमोरी एलोकेट हो रही। यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर पहले उसको 5 ब्लॉक्स में मेमोरी एलोकेट हुई, एलोकेशन होने के बाद उसमें वैल्यूज स्टोर हुई, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, जैसे जैसे मेमोरी एलोकेट हो रही है वैसे वैसे उसमें वैल्यूज डलती जाए, यानी कि एरे को डिक्लेयर करते टाइम इनिशियलाइज करना। अब हम उसको करके देखते हैं। तो इसको मैंने कमेंट्स में डाल दिया, इतना इतना पार्ट मैंने कमेंट्स में डाल दिया। हम दोबारा सेम नाम का एरे डिक्लेयर करते हैं, एंड माई एरे न्यू एंड। अब यहां पर मैं साइज पहले नहीं बता रही हूं, मेरे पास जितनी वैल्यूज होंगी उसके अकॉर्डिंग उनको साइज मिलता जाएगा, उसके लिए हम यहां पर कर्ली ब्रैकेट्स यूज करेंगे और यहां पर वैल्यूज लिखेंगे, कुछ भी आप 5 वैल्यूज या 10 वैल्यू जितनी चाहे उतनी लिख सकते हैं। मैंने यहां पर 5 ही वैल्यूज लिखी हैं। तो ऊपर वाले में हमने पहले डिक्लेयर करा फिर उसको इनिशियलाइज करा, और यहां पर हम डिक्लेरेशन के टाइम पर ही इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। यहां पर मुझे साइज बताने की जरूरत नहीं है, जितनी आप यहां पर वैल्यूज लिखेंगे उतना एरे का साइज हो जाएगा। रन करके देखते हैं, ये देखिए ये वैल्यूज, फोर्टी फाइव, 34, 23, 7 एंड 8। क्लियर? और अगर यहां पर आप 5 की जगह एक और वैल्यू देते हैं तो आप यहां पर साइज चेंज।
यहाँ पर हम इसको 6 कर देते हैं, 6 नंबर हो गए हैं हमारे पास, तो फॉर लूप 6 टाइम्स चलेगा। ये देखिए 67 इंक्लूड हो गया, 67 इज ऑड। सो आई होप आपको ये दोनों प्रोग्राम्स क्लियर हुए होंगे। पहले वाला जिसमें हमारे पास एक ही नंबर था तो हमने एक ही नम नाम का वेरिएबल ले लिया, और ये सेकंड प्रोग्राम जिसमें हमारे पास मल्टीपल नंबर्स हैं तो हमने एरे यूज कर लिया। चलिए फर्दर इसको एक प्रोग्राम और करते हैं, छोटा सा ही टॉपिक है। आई नो ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। तो अभी तक हमने क्या था, ये जो नंबर्स थे, एक था नंबर था या मल्टीपल्स थे, तो ये हमने खुद लिखे थे, यहाँ पर हमने इनकी वैल्यू खुद दी थी। लेकिन मुझे यूजर से पता करना है कि यूजर एक नंबर एंटर करे उसको हम इवन ऑड बताएं, यानी कि यूजर इनपुट, मुझे यूजर से इनपुट लेना है। तो अब ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं इसमें हम सीखेंगे कि यूजर इनपुट कैसे लिया जाता है जावा में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, ये सब डिलीट कर देते हैं। चलिए जावा में वैसे तो यूजर इनपुट लेने के लिए वी हैव मल्टीपल क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस है हमारे पास, लेकिन मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही सिंपल सी क्लास है, स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास की हेल्प से हम यूजर इनपुट लेते हैं। जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जो प्रिंट करने के लिए हमने स्टेटमेंट यूज की थी, उसमें जो सिस्टम लिखा था स्टार्टिंग में, वो भी एक क्लास है। लेकिन उस क्लास को यूज करने के लिए मैंने यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा लाइन यूज नहीं करी, मैंने कोई भी पैकेज इंपोर्ट नहीं करा। वो जो सिस्टम क्लास है वो रूट पैकेज में होती है, उसके लिए आपको कुछ भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जावा में मोस्टली क्लासेस पैकेजेस के अंदर होती हैं। आपको अगर कोई क्लास यूज करनी है तो वो जिस पैकेज में है उस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बिना आप उसको यूज नहीं कर सकते। जो स्कैनर क्लास है वो जावा के अंदर यूटिल, UTIL नाम का एक पैकेज होता है, उसमें होती है। यानी कि अगर आपको स्कैनर क्लास यूज करनी है तो आपको यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी एक तरीके से। और इंपोर्ट करने के लिए जो हम स्टेटमेंट यूज करते हैं वो यहाँ पर सबसे ऊपर करते हैं अपनी क्लास को डिफाइन करने से पहले। लेकिन मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट्स बताना चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा नेटबीन्स के, तो वो देखिए बहुत ही ईजी है। अगर आप नोटपैड पे काम करते तो आपको सारी चीजें अपने आप लिखनी पड़ती, लेकिन नेटबीन्स में वी हैव लॉट्स ऑफ शॉर्टकट्स। तो देखिए स्कैनर क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा स्कैन, कंट्रोल स्पेस, इंटेलिजेंस आ गई, और ये देखिए ये वाली लाइन जावा डॉट यूटिल, ये जो स्कैनर क्लास है ये जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है, ये मुझे यूज करनी है। लेकिन अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगी इसका जो पैकेज है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, मुझे उसके लिए कोई एक्स्ट्रा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए एंटर, ये देखिए ये लाइन अपने आप आ गई, इंपोर्ट जावा पैकेज के अंदर, यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो गई। दोबारा देखिए मैं इसको हटा देती हूं, स्कैन कंट्रोल स्पेस ये आ गई, ये वाली इसको फोकस कर लीजिए, एंटर, सिंपल। अगर आप नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस यूज करते तो आपको ये चीज खुद लिखनी पड़ती। चलिए मूव ऑन, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। किसी भी क्लास को यूज करने के लिए, उसके फंक्शंस यूज करने के लिए हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू क्लियर कि अगर आपने जावा अभी जस्ट लर्न करनी स्टार्ट की है तो हो सकता है ये चीजें आपको ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर जो अभी मैं बताने जा रही हूँ हो सकता है आपको समझ ना आए। तो फर्दर जो आप टॉपिक्स जब क्लियर करेंगे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, समझ आ जाएंगी। लेकिन क्योंकि अभी हम यूजर इनपुट लेना सीख रहे हैं तो मुझे यहाँ पर बतानी ही पड़ेंगी, बहुत मुश्किल नहीं है। चलिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने एक एस सी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू स्कैनर। अब ये जो स्कैनर क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो ऐसे नहीं लिख सकते, वो एक इनपुट लेता है। इनपुट क्या लेता है, सिस्टम जो क्लास थी हमने जो पढ़ी थी अभी, जैसे हमने पढ़ा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट,
सिस्टम क्लास के अंदर कुछ स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे आउट स्ट्रीम अगर आप प्रिंट देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इनपुट लेना चाहते हैं उसके लिए इन स्ट्रीम होती है, तो वही इन स्ट्रीम हम यहाँ पर यूज करेंगे, सिस्टम डॉट इन। क्लियर? स्कैनर क्लास का कंस्ट्रक्टर इनपुट स्ट्रीम को एज अ इनपुट लेता है, सिस्टम डॉट इन। चलिए स्कैनर क्लास हमने डिक्लेयर कर ली। अब इनपुट लेने के लिए इस क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेना है तो अलग फंक्शन है, फ्लोट का, डबल का, इंटीजर का, सबके लिए अलग अलग फंक्शंस हैं। मुझे जो यूजर से नंबर लेना है वो इंटीजर टाइप का लेना है, तो हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज करेंगे, नेक्स्ट इंट। फंक्शन यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम, नेक्स्ट इंट, ये फंक्शन हम यूज करेंगे, एंटर। और इस फंक्शन को यूज करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी, यानी कि यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा, उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, जैसे कि हमने पहले वाले एग्जांपल्स में करा है। एक वेरिएबल ले लिया नम, उसमें स्टोर करा लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी लाइन है, स्कैनर क्लास मैंने यहाँ पर डिक्लेयर करी, स्कैनर क्लास जो कि यूटिल पैकेज के अंदर है, पैकेज इंपोर्ट कर लिया, और इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो सिस्टम डॉट इन एज अ इनपुट लेता है। नेक्स्ट इंट फंक्शन यूजर से इनपुट वेरिएबल, इनपुट टाइप का इनपुट लेने, इंटीजर टाइप का इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है, और उसको मैंने नम में स्टोर करा लिया। और बाकी फंक्शन हमारा एज अ टीज है, जो हम बाकी जो हम प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम में हमने करा है वो सारा प्रोग्राम सेम है। एक और वेरिएबल लेते हैं रिमाइंडर के लिए, मॉडुलस टू, रिमाइंडर पता करते हैं। रिमाइंडर पता करने से पहले एक चीज और, यूजर ने जो इनपुट दिया है हम उसको एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। नंबर एंटर्ड बाय यूजर इज कंकैटिनेशन नंबर, देखते हैं कि यूजर ने प्रिंट क्या करा, एंटर क्या करा है। इसको रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, कोई आउटपुट नहीं आया, कुछ नहीं आया। यूजर ने जो नंबर हमें देना है एज अ इनपुट, हम उसकी वेट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने यूजर ने कोई भी सपोज एक नंबर दिया 23, एंटर, नंबर एंटर बाय यूजर इज 23, तो यूजर ने जो नंबर हमें दिया वो हमने नम में स्टोर करा लिया। क्लियर? चलिए रिमाइंडर निकालते हैं, रैम में स्टोर करा लेते हैं, एंड इफ एल्स, सब सेम है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रिंट नंबर इज इवन, नंबर इज, तो ये यूजर इनपुट के थ्रू मैंने यहां पर 67 डाला, नंबर इज ऑड। कोई और नंबर डाल के देखते हैं, इवन नंबर डाल के देखते हैं, नंबर इज इवन। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये तीनों प्रोग्राम क्लियर हुए होंगे। मुझे यहाँ पर सिर्फ इवन ऑड ही नहीं बताना था, मुझे आपको यहाँ पे इवन ऑड के साथ साथ एरेस कैसे यूज करते हैं और यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, ये दोनों चीजें भी साथ में बतानी थी। तो अब आपके पास तीन प्रोग्राम्स हो चुके हैं, नॉर्मल इवन ऑड का विद द हेल्प ऑफ एरेस एंड फ्रॉम यूजर इनपुट। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो यू कैन कॉमेंट, यू कैन आस्क मी विद द हेल्प ऑफ कॉमेंट। थैंक यू सो मच। आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी एग्जांपल्स करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।